हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। शॉर्टली अगर आपसे कहें तो अब हम लोग आज पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने वाले हैं, आवर्त सारणी कहते हैं इसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें इस यूनिट की, तो आज मॉडर्न केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, उनके आने वाले जो कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स से बनने वाले, उन पर ही केमिस्ट्री बेस्ड है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स, कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूसेस, उनका बिहेवियर और बहुत सारा कुछ डिफरेंट मोड में स्टडी यहाँ से हमें मिलती है। तो सबसे पहले इस यूनिट की इंट्रो करा दूँ, आपको परिचय करा दूँ कि क्या क्या है शॉर्ट समरी में, और देन इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मैंने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसलिए आप मेरी क्लास को मिस मत करिए। पर डे को सिक्वेंसली क्लास को अटेंड करिए, ताकि आपको पूरी यूनिट क्लियरिटी से समझ में आए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे कैसे लॉजिक चेंज होते चले गए और पीरियोडिक टेबल आज मॉडर्न फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ पाते हैं। तो इंट्रोडक्शन, क्या है ये पीरियोडिक टेबल, कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसको जानेंगे। देन कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या था, तो डोबेराइनर का टेट रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, देन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड व्हाट आर द डिफेक्ट्स, क्या दोष रह गए, क्या कमियां रह गई, फिर उनमें क्या सुधार हुआ जिनके माध्यम से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके द्वारा आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ। देन वहां से हम ग्रुप्स का स्टडी करेंगे, देन पीरियड्स का स्टडी करेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ जुड़ने वाले शार्ट नोट्स जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ऐसे और डिफरेंट शार्ट नोट्स हैं जो बहुत ही लॉजिकल हैं, जिनका स्टडी करेंगे। और सबसे जरूरी बात कि एलिमेंट्स का सेटअप देना पीरियोडिक टेबल में, ये यहां से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको जो एलिमेंट्स हैं उनका प्लेस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन करता है, न्यूमेरिकल्स करता है। तो लाइक एज ए हाउस एड्रेस, एलिमेंट्स को हम लोग सेटअप करना सीख लेंगे कि कैसे हम उसे ग्रुप में शिफ्ट करें, कैसे हम उसकी सीरीज दिखाएं, कैसे हम उसके सब ग्रुप दिखाएं, कैसे हम उसका पीरियड फाइंड आउट करें, कैसे हम उसका ब्लॉक फाइंड आउट करें। तो ये सारे सिम्टम्स लेकर के हम लोग इस यूनिट को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं और जानकारी कराऊं आपको कि 18 सेंचुरियन में, यानी 18वीं सदी में, केमिस्ट्री जब ऑन डेवलपमेंट थी, उस समय नियर अबाउट 32 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो पाई थी, और लगभग 1862 तक इनके जस्ट डबल एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, यानी नियर अबाउट 62 टू 65 एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिलता है लिखा हुआ। और जब ये एलिमेंट्स का कंपैरिजन हम आज करें, मॉडर्न टाइम में करें, तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का नंबर 114 तक हो गया है। तो इसलिए पहले कैसे शुरुआत हुई इसको हम समझ लेते हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, वैसे वैसे एलिमेंट्स की स्टडी क्रिटिकल हुई, यानी टिपिकल हुई। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनके मैं नाम लूंगा टर्म बाई टर्म आपको, उनमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, जिन्होंने त्रिक नियम द्वारा
टेम्परेट रूल द्वारा इस पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन की नींव रखी। देन न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल को सजेस्ट किया और उसकी मदद से मेंडलीव, जो कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे इस पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करने वाले, उन्हीं को जाता है श्रेय इस आवर्त सारणी के निर्माण का। इसलिए आवर्त सारणी का जनक यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जेफ मेंडलीव को कहा जाता है और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। तो बात आई कि क्यों क्रिटिकल हुआ स्टडी करना एलिमेंट्स का। तो जब इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे तो उनका फिजिकल बिहेवियर जानना, उनकी केमिकल एक्टिविटीज को पढ़ना, उनके रिएक्शंस को समझना, उनका कंपोजिशन पढ़ना, ये सारी चीज़ें कुछ क्रिटिकल हो जाती थी। तो इसलिए इन साइंटिस्ट ने मिल करके ये सजेस्ट किया कि क्यों ना एक टेबल का फॉर्मेशन किया जाए जिसके माध्यम से समान गुणों वाले अर्थात समान भौतिक लक्षणों वाले, समान केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का हम उनको सीरियल बेस्ड प्लेस वैल्यू दें और उसके आधार पर उनकी स्टडी को इजी करें। तो ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ यहाँ से कि पीरियोडिक टेबल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि हम एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के आधार पर इजिली स्टडी कर पाए, उनका अध्ययन कर पाए और उनके बारे में जानकारी कर पाए। तो अब इस पीरियोडिक टेबल के यानी आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट को टर्म बाय टर्म यानी स्टार्टिंग जहां से हुई यानी न्यू जहां से रखी गई वहां स्टेपली आपको रूल्स क्लियर करते हुए देन पीरियोडिक टेबल का स्टडी करा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डोबे राइनर का त्रिक नियम, ट्रेड्स लॉ ऑफ डोबे राइनर, डोबे राइनर का त्रिक नियम। इस वर्ड से यहां क्लियर करें, जो त्रिक है इसे ट्रेड्स कह रहे और इसका मतलब है कि थ्री एलिमेंट्स। और इस रूल को डोबे राइनर नामक साइंटिस्ट ने 1817 में डिस्कवर किया। और इस रूल का कॉन्सेप्ट क्या था कि कैसे हम तीन तीन के समूहों में उपस्थित एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास फाइंड आउट करें, अर्थात परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए यह नियम डोबे राइनर ने प्रस्तुत किया था। इस नियम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य बिंदु, कि यदि हम किसी वर्ग में यानी ग्रुप में क्रम से आने वाले थ्री एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं कह रहा हूं कि किसी वर्ग में किसी ग्रुप में आने वाले थ्री एलिमेंट्स का जो कि सीरियल से हो उनका सिलेक्शन करें, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट्स अर्थात प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भारों के यानी एटॉमिक नंबर्स के योग यानी टोटल का माध्य यानी हाफ बीच वाले या मिड वाले एलिमेंट्स का परमाणु भार होगा या एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप में सीरियल से आने वाले थ्री एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इनमें से सोडियम का एटॉमिक वेट फाइंड आउट करेंगे यहां लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट की मदद से। तो मैंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स यानी पहले प्रथम तत्व और तीसरे यानी तृतीय तत्व के परमाणु भारों के योग का माध्य, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होगा। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहां लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है, जबकि यहां सोडियम के लिए हम इसको हाउ मच कर लेते हैं,
यानी इसी का निकालते हैं क्योंकि ये मिड वाला एलिमेंट्स है। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि डोबेराइनर का जो ट्रेड रूल था वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि अगर हम किसी भी ग्रुप में सीरियल से आने वाले कोई थ्री एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें तो पहले तत्व और तीसरे एलिमेंट्स दोनों के एटॉमिक वेट का टोटल कर लें और उसका माध्य कर दें यानी हाफ कर दें तो मिड वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पता चले। तो अब इसे प्रूफ करते हैं। पहले एलिमेंट्स लिथियम के लिए एटॉमिक वेट ले लिया 7 और सेकंड एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ले लिया 39 और इसका हाफ कर लें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो 39 में 7 ऐड करेंगे 46 मिलेगा और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 23 और 23 जो आंसर मिला ये इस सोडियम का एटॉमिक वेट होगा अर्थात पहले और तीसरे एलिमेंट्स के परमाणु भार के टोटल का माध्य कर दें तो बीच वाले एलिमेंट्स का परमाणु भार ज्ञात हो जाए। तो इस प्रकार क्रम से आने वाले 3-3 एलिमेंट्स का ये जो सेट है इसी सेट का नाम दिया गया ट्रेट्स अर्थात इन्हें ही त्रिक कहते हैं। चूंकि 18th सेंचुरियन में एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट क्लियर नहीं था और कई एलिमेंट्स का ठीक ठीक ज्ञात भी नहीं था तो डोबेराइनर का यह कॉन्सेप्ट कुछ ही एलिमेंट्स के लिए फॉलो हो पाया जबकि नए नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो वहां पर यह डोबेराइनर का रूल फेल्योर हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानकारी करेंगे कि डोबेराइनर के बाद का कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरह से अपडेट हुई पीरियोडिक टेबल के बनाने के प्रोसेस में और क्या क्या परिवर्तन आए जिनको लेकर के मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया।